आते आते भी मैं आज 60,000 का ट्रेड करके आया ऑटो में। ऑटो में 60,000 का ट्रेड करके आया। कल 1,28,000 का प्रॉफिट हुआ। मन जब करेगा पैसा मैं कमाता हूँ। मैं सोचा हूँ कि पकड़ लूंगा कुछ भी 20-30-50,000 का तो निकाल लूंगा आराम से। Generated 70% returns this financial year. I'm a different person now than what I was 7 months back. I'm guaranteeing you, your life will entirely change. चलो, बताओ क्या आपका स्टोरी है? मेरे को आपको कुछ पूछना नहीं है, you only say कि कैसे तो बचपन में इधर ही मुंबई में काम करने आया था, तभी मेरा उम्र था 11-12 साल का। तो इधर इतना ही गरीब था हम लोग, दो भाई तीन भाई थे हम लोग। तो पढ़ाई का तो मम्मी पापा पढ़ा नहीं सका, तो इधर ही अंधेरी में काम करते थे हम लोग, सुनार का। सुनार जी? okay. सुनार का, वेस्ट बंगाल से आया था तभी। हाँ। उधर आया था इतना मेहनत करके लोकल ट्रेन में, तभी आया था बाथरूम के बगल में वो चालू टिकट से। अभी तो मैं अपना मेहनत किया, उसके बाद अभी आपका 6FT जो ज्वाइन किया था वो भी, उसका भी फीस हो गया रिकवर। हाँ। अभी आप 14.4 का हूँ। आते आते भी मैं आज 60,000 का ट्रेड करके आया ऑटो में। ऑटो में 60,000 का ट्रेड करके आया। कल उधर बैठ के भी, कल DLF और जितना मेरा ट्रेड था, नेट का इशू था, मैंने सब निकल दिया। कल 1,28,000 का प्रॉफिट हुआ, खाली DLF हिट नहीं हुआ। जो आज ऑटो में आते आते मुझे लगा कि हाँ नेट का प्रॉब्लम है, आज ट्रेड नहीं करता हूँ, पकड़ लूंगा 1 तारीख को जो करना है कर लूंगा। सही जवाब आपने दिया है, परफेक्ट। अभी आप कल कुछ बोल रहे थे, आप कुछ वेटर का काम कर रहे थे कहाँ पे? मैं वो क्लासिक होटल है ना, उधर ही वेटर का काम करता था, अंधेरी ईस्ट में, नागरदास रोड में। अच्छा, तो अभी आया तो उससे मिल के आया मालिक को। क्या बोला? कि होटल खरीदने गए? मैं बोला, पूछा कि कैसे होने, वो बोला कैसे आया, मैं बोला आता हूँ फ्लाइट से, आता हूँ फ्लाइट से, जाता हूँ होटल में रहता हूँ। अभी 14.4 का बैच भी, इसका जो फीस है, ये फी का 3 महीना में, उससे भी मैं अच्छा लगता है कि इस वॉलेटाइल मार्केट में मैंने पैसा कमाया। वाव। और डाउन ट्रेंड में भी लिया, और ये 2 दिन में जो GFS बैठा उसमें लिया। अभी मैं वेट करूंगा, जब 60 क्रॉस करके तब जाके अगला महीना कुछ सोचूंगा, अभी कुछ नहीं, जीरो। यस, सो ये जो जर्नी है आपकी सिक्स फिगर ट्रेडिंग से लेके ट्रेड एंड मी तक, सो ये सब कैपिटल का अरेंजमेंट, फीस का अरेंजमेंट, ट्रेड का सब कैसे जुगाड़ किया? सर एक्चुअली क्या है, मैं सुनार तो था ही, उसके बाद यहाँ से काम सीखा, फिर मैं तो आपको जानता नहीं था, 8 महीने से मैंने ट्रेड शुरू किया है। और सोनू सर का वीडियो देखता था मोटिवेट करने के लिए, सोनू सर का एक प्रोग्राम में आप आए थे। हाँ। तो वो सर ने बोला कि ऐसा जो आदमी का हार्ट रहता है, चार्ट दिखा के दिखाया कि सर का देखो ये डॉक्टर है इनका। हाँ। फिर आपको यूट्यूब से देखना शुरू किया। अभी तो मैं सुबह 8:30 तक सो के उठता हूँ, मेडिटेशन करते हैं। हाँ। उसके बाद मार्केट को जो काम करना रहता है करके स्टॉप लॉस लगा के चला जाता हूँ काम पे। मैं अभी बैंक में वैल्यूअर भी हूँ, यूको बैंक में। ओके, बैंक में वैल्यूअर हो? वहाँ बैंक में आदमी को नौकरी मिलता है कि 40-50 हज़ार, और मेरा तो डिग्री कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं 70-80 हज़ार वहाँ का कमा लेता हूँ स्किल से। अरे वाह। आपको दुकान चालू किया था, छोटा सा दुकान बढ़ा करके शोरूम भी बना लिया हूँ, वहाँ स्टाफ रखती हूँ, कैमरा चल लगा दिया हूँ, वहाँ से मैं अपना मोबाइल में देख के यहाँ पर जैसा बता दीजिए बिजनेस तो सही है। और मैं अपना एडवांस खुद को समझता हूँ कि सर ने मुझे एडवांस बना दिया है, तो मैं अपना ट्रेड इसको सबसे पहले फॉलो करता हूँ, और वाइफ और अपना साधा को पैसा दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ तुम लोग खाली मैजिक बैंड में अपना ट्रेड करते रहो, घर तुम चलाओ, वेल ट्रेड में कर दूंगा। अभी सर मैं तो खुद को ऐसे सोचता हूँ कि मेरा जब मन करेगा, आप जैसे सिखाते हो ना, मन जब करेगा पैसा मैं कमाता हूँ। क्योंकि अगला महीना सोचा हूँ कि थोड़ा छुट्टी है तो कश्मीर जाना है, मैं सोचा हूँ कि पकड़ लूंगा कुछ भी 20-30-50 हज़ार का तो निकाल लूंगा आराम से। Wow. There you see the confidence.
दिस इज द कॉन्फिडेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. निकाल लूंगा अगले महीने जब आएगा तभी, जब मन करेगा तभी. फैंटास्टिक. और अभी वाइफ का सपोर्ट, सबका फैमिली का सपोर्ट. वाइफ तो सपोर्ट मिलता ही है. और वाइफ मुझे कभी भी गुस्सा करता हो तो खाली एक बात बोलता है कि तुमने ऐसा किया ना, सर को देखो, सर ने सिखाता है तुमको ऐसा. और बोलती है कि वाइफ टीवी देखती है और खाली कुछ भी गलती करते हो कि सर ने सिखाया तुमको, देखो विशाल सर का चेहरा में कभी गुस्सा है क्या. सर कभी गुस्सा होता ही नहीं है. वो मैं उस दिन कॉलो किया, आप गुस्से होने के लिए भी सोच रहे थे कि कैसा होता है गुस्सा. थैंक यू सो मच. कैन वी हैव वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी. आप भी कर सकते हो. ये भी आपकी तरह ही थे पहले. आपकी तरह पहले पढ़ा, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बट उन्होंने फिर से प्रोसेस को शुरू किया. बेसिक से लेके एडवांस से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक सारा काम किया, माइंडसेट के ऊपर काम किया. सो ये जो ट्रेडर मी प्रोग्राम है जो हम 15 साल से चला रहे, वो एक अनोखा प्रोग्राम है जिसमें खाली स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत कुछ है. माइंड बॉडी सोल पे काम करते हैं. आपको एक बिजनेस कोच, आपको एक लाइफ कोच, आपको एक पर्सनल कोच और एक स्पिरिचुअल कोच एक ही प्रोग्राम के अंदर मिलता है, बिकॉज वी बिलीव इन 360 ट्रांसफॉर्मेशन. सो अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि ये प्रोग्राम में और क्या होता है और कैसे होता है, तो एक फ्री वेबिनार सीरीज है जहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको देखने को मिलेगा कि प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट क्या है और कैसे हमारी जो टॉप स्ट्रैटेजी है टॉप बॉटम वो कैसे परफॉर्म करती है, उसका डेटा क्या है, उसको बैक टेस्ट कैसे करते हैं. और ये पूरा प्रोग्राम जिसमें ये सारी चीज़ें हैं उसकी जानकारी, उसकी डिटेल्स, कभी शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है और आप कैसे हिस्सा बन सकते हो. और 2024 जो एक बहुत ही टफ ईयर होने वाला है मार्केट के लिए, क्यों? क्योंकि 23 वॉज अ स्मूथ राइड. उसमें वन साइडेड मार्केट था, उसमें आपका नसीब ज़्यादा और स्किल कम था अगर आपने पैसा बनाया. लेकिन 24 में आपकी स्किल ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि दो बड़े इलेक्शन हैं. 50 छोटे छोटे इलेक्शंस भी हैं अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन इंडिया का इलेक्शन और यूएस का इलेक्शन, प्लस दो बजट, प्लस नंबर 8, प्लस लीप ईयर, ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन पहली बार आ रहा है. सो अगर 2024 में अगर आपको रियली पैसा बनाना है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, देन यू नीड दैट स्किल एंड वी आर रेडी टू गिव यू दैट स्किल इन ट्रेडर मी प्रोग्राम. यू हैव नथिंग टू लूज. ये फ्री वेबिनार सीरीज है, यहाँ पे आप क्लिक करो और डिटेल्स जानिए और आप भी हिस्सा बन सकते हो अगले एक साल के लिए हमारे ट्रेडर मी प्रोग्राम में. थैंक यू सो मच. गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.